डिलीवरी बॉय। दरवाजे की घंटी बजते ही मिताली की आंखों में चमक आ गई। बड़ी ही बेसब्री से उसे इंतजार था, क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी और उसने ऑनलाइन अपने लिए खाना ऑर्डर किया था। दरवाजे की घंटी सुनते ही मिताली दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी, और अगले ही पल जब उसने दरवाजा खोला, सामने खड़े हुए डिलीवरी बॉय का चेहरा देखकर एक पल के लिए मिताली घबरा गई। उसके चेहरे पर मास्क था और उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। भैया कितना पेमेंट हुआ? लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें फाड़ फाड़ कर मिताली के चेहरे की तरफ देखता रहा। अगले ही पल उसने एक स्लिप निकालकर मिताली की तरफ बढ़ा दी, जिस पर पेमेंट लिखा हुआ था। मिताली पैसे लेने के लिए घर के अंदर गई और जैसे ही लौटकर वापस आई तो उसने देखा कि वो डिलीवरी बॉय वहां पर था ही नहीं। बड़ा अजीब सा डिलीवरी बॉय है, बिना पैसे लिए ही चला गया, और उसकी आंखें भी कितनी अजीब थी। मुझे क्या, मुझे तो मेरा खाना मिल गया। इतना कहकर मिताली घर के अंदर आई और खुश होते हुए उसने खाने का पैकेट खोला, लेकिन अगले ही पल मिताली का घर भयानक चीख पुकारने की आवाजों से गूंजने लगा। मिताली की घबराई हुई आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद शहर के दूसरे इलाके में भी ऐसी ही घटना हुई। एक औरत ने अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था और वही डिलीवरी बॉय उसके घर पिज्जा देने के लिए पहुंचा, लेकिन जब उस औरत ने पिज्जा का बॉक्स खोला तो ना केवल उसके होश उड़ गए बल्कि डर की वजह से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद इस तरह की घटनाएं उस शहर में रोज होने लगी। ये सारी घटनाएं एक ही फूड डिलीवर करने वाली कंपनी से हो रही थी। और फिर अगले दिन शहर के एक सुनसान इलाके में रहने वाली रूपाली ने अपने लिए इसी कंपनी से खाना ऑर्डर किया। रात काफ़ी हो चुकी थी, रूपाली को जोरों की भूख लगी थी। ऑफिस में ज़्यादा देर रहने की वजह से वो घर आकर अपने लिए खाना नहीं बना पाई थी, और इसी वजह से वो जल्द से जल्द कुछ खाना चाहती थी। कुछ ही देर के बाद रूपाली के दरवाजे की घंटी बजी। लगता है फूड आ गया। रूपाली ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। इस बार भी वो डिलीवरी बॉय बिना पैसे लिए ही चला गया। रूपाली उस बॉक्स को लेकर घर के अंदर आई और उसने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और एक भयानक चीख निकल गई। उस पैकेट के अंदर खाने की जगह मांस के टुकड़े और खून से लथपथ किसी इंसान के कटे हुए अंग थे। रूपाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। रूपाली के घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था। रूपाली अकेली थी और इसीलिए बुरी तरह से डर गई थी। तभी अचानक उसके घर की लाइट चली गई और रूपाली ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंधेरे में वही डिलीवरी बॉय उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खाओगी नहीं? तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा। आखिर कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इतना कहकर रूपाली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते रूपाली एक जगह गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब रूपाली को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर थी। क्या हुआ था मुझे, मैं यहाँ कैसे आई? जी, कल रात को कुछ लोग आपको इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा के गए थे। आप बेहोश थी, पूरी रात आपको होश नहीं आया। डॉक्टर ने पुलिस को भी बुला लिया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके साथ क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, झटपट फूड कंपनी से अपने लिए खाना ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन वो डिलीवरी बॉय खाने की जगह अजीब अजीब चीजें देकर गया था, मांस के टुकड़े, खून और पता नहीं क्या क्या। इस तरह की शिकायत पहले भी किसी ने करवाई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं इस झटपट फूड कंपनी से बात करता हूँ, आखिर कौन है ये डिलीवरी बॉय? इंस्पेक्टर उस फूड कंपनी के ऑफिस पहुंचता है। कल रात को रूपाली नाम की लड़की को फूड डिलीवरी करने के लिए कौन गया था? ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपने अपने कौन से डिलीवरी बॉय को भेजा था, चेक कीजिए और मुझे बताइए। देखिए सर, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, अरे इस एड्रेस पे तो हमने फूड डिलीवर किया ही नहीं है।
कोई? राघव नाम का डिलीवरी बॉय है आपकी कंपनी में? रूपाली नाम की लड़की ने उसके आई कार्ड को देखा था, उस पर यही नाम था। अरे सर, इस नाम का डिलीवरी बॉय हमारी कंपनी में काम करता ही नहीं है, बल्कि अगर सच बताऊं तो ये राघव नाम का फूड डिलीवरी बॉय 2 साल पहले हमारी कंपनी में था। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर 2 साल पहले ये आपकी कंपनी में काम करता था तो कल रात को रूपाली को खाना किसने डिलीवर किया? देखिए सर, इस एड्रेस से हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया और हमारी साइट से कोई फूड डिलीवर भी नहीं हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उन सारे लोगों से उस डिलीवरी बॉय के बारे में पूछा, लेकिन सब जगह से एक ही बात पता चली कि उन्हें इस एड्रेस पर से इस कंपनी ने कभी फूड डिलीवर किया ही नहीं था। और साथ ही ये भी पता चला कि उस डिलीवरी बॉय की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। उधर रूपाली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो अपने घर चली गई थी। अगली रात ठीक 12 बजे रूपाली के घर का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। इन आवाज़ों को सुनकर रूपाली पूरी तरह से घबरा रही थी। उसने दरवाज़ा खोले बिना ही कहा, कौन है? कौन है वहाँ? अरे मैडम, मैं आपका खाना लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म जायकेदार, दरवाजा खोलिए। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? आखिर कौन हो तुम? पुलिस ने तुम्हारे बारे में पता किया था, तुम्हारी तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है। अच्छा हुआ आपको सच पता चल गया। ठीक है मैडम, अब अगर आपको सच पता चल ही गया है तो कम से कम अपना खाना तो ले लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? देखो मैं बहुत डरी और घबराई हुई हूँ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। प्लीज मैडम, मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, प्लीज मैडम। बड़ी हिम्मत के बाद रूपाली दरवाजा खोलती है और देखती है कि उस डिलीवरी बॉय का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। ये सब क्या है? और अगर तुम मर गए हो तो मुझे क्यों नजर आ रहे हो? क्योंकि मेरी मौत इसी घर में हुई थी। 2 साल पहले मैं खाना डिलीवरी करने के लिए इसी घर में आया था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की देरी हो जाने पर इस घर में रहने वाले लोगों ने मुझे मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? इस घर में तो पहले अमित नाम का एक लड़का रहा करता था। आपने सही कहा, उस रात अमित और उसके दोस्तों ने पार्टी की थी और हमारी फूड कंपनी से फूड डिलीवर किया था। मैं खाना देर से लेकर पहुंचा तो वो लोग मुझसे झगड़ा करने लगे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। उसी मारपीट के दौरान मेरे सर में चोट लग गई। उन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझा और फिर मेरे शरीर पर चाकू से वार करके मेरे टुकड़े टुकड़े करके इसी घर के नीचे दफन कर दिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, आप बस मेरी अस्थियां निकाल कर उन्हें मेरे घर वालों तक पहुंचा दीजिए। इसके बाद मैं कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। अगली सुबह रूपाली इंस्पेक्टर को सारी बात बता देती है। अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राघव की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।